कोई फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि डिफाइन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी बताना हो और डायरेक्शन भी, तो हम लोग ऐसे क्वांटिटीज को वेक्टर्स बोलते हैं, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, और इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ एरो। कोई पार्टिकल इस दिशा में मूव कर रहा है सर्टेन स्पीड से, तो हम उसके वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय एन एरो। एरो का जो डायरेक्शन होगा वो उस वेक्टर का दिशा होगा, और एरो का जो लंबाई होगा वो उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में बनाएंगे। एरो जब भी बनाते हैं तो किसी एक पॉइंट से शुरू करते हैं बनाना, उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और किसी एक पॉइंट पर जाके समाप्त करते हैं, उस पॉइंट को फाइनल पॉइंट बोलते हैं उस वेक्टर का। यानी इस वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई यहां एक एरो बना रहे हैं हम सी से स्टार्ट करके और डी पे समाप्त कर रहे हैं, तो हम इस वेक्टर को लिखेंगे सी डी, और इस तरह का एक एरो बना देंगे और इसको पढ़ेंगे सी डी वेक्टर। ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम हम रखे हैं अगर ए वेक्टर। अगर हमें किसी एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो आपको समझना है कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी मीन कर रहे हैं ए के दिशा में ही, और मैग्नीट्यूड उसका दुगुना। लैंग्वेज है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं फिजिक्स के लिए। ये लैंग्वेज एक्सक्लूसिवली यूज होता है टू एनालाइज वेक्टर क्वांटिटीज, तो पहले से ये लैंग्वेज हम लोग को डिफाइन करना होगा। जैसे हम किसी पार्टिकल का, एक पार्टिकल है यहाँ पे इस दिशा में मूव कर रहा है विद स्पीड 3 meter per second, इसके वेलोसिटी को हम v1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हम किसी पार्टिकल का बोलेंगे वेलोसिटी है v1 वेक्टर, तो आप समझेंगे कि हम ये मीन कर रहे हैं, इस दिशा में मूव कर रहा है इतना रफ्तार से। अब हम किसी दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी अगर कहेंगे कि 5 times v1 वेक्टर है, तो आपको समझना है कि हम कहना चाहते हैं कि उस पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में 5 गुना है, यानी 15 meter per second, और दिशा उसी वेलोसिटी वेक्टर की तरफ है। किसी पार्टिकल 2 का वेलोसिटी वेक्टर अगर हम लिखते हैं इस तरह से, तो समझना ही है मैग्नीट्यूड में 5 गुना। मतलब किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से गुना करके जब लिखेंगे तो उसका क्या मतलब रहेगा, वो पहले से डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, यही कर रहे हैं। अगर हम एक पार्टिकल 3 का वेलोसिटी लिखेंगे -3 times v1 वेक्टर, तो आपको समझना है कि हम पार्टिकल 3 का वेलोसिटी बताना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 का 3 गुना है मैग्नीट्यूड में, एंड -v1 वेक्टर दिशा में है, यानी इस वेलोसिटी के विपरीत दिशा में उसका वेलोसिटी है, यही हम कहना चाहते हैं। मैग्नीट्यूड में 3 गुना, यानी 9 meter per second के स्पीड से मूव कर रहा है और विपरीत दिशा में। एक वेक्टर ए को जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना करते हैं, उस वेक्टर का नाम हम बी रख रहे हैं, तो वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में क्या संबंध है वो अभी हम लोग डिस्कस किए। एम इज सम स्केलर, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी। अगर वेक्टर ए को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो आपको समझना है कि हम ए के दिशा में ही एक वेक्टर मीन कर रहे हैं, और इसका मैग्नीट्यूड एम गुने द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर एम का वैल्यू एक नेगेटिव नंबर दिया हो, तो आपको समझना है कि हम एक ऐसे वेक्टर का बात कर रहे हैं जो वेक्टर ए के विपरीत दिशा में है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस तरह से हम वेक्टर को दो लंबे डंडों के बीच में लिखेंगे, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलना चाह रहे हैं, उसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करें। यानी हम वेक्टर ए इक्वल टू कुछ लिखेंगे यहां,
तो हमको यहाँ दो बात लिखना होगा, जिस चीज़ को भी हम वेक्टर ए कह रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड लिखने आना होगा हमको। जैसे कोई पार्टिकल यहाँ है और इस दिशा में मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और उसका वेलोसिटी को हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सिंबल से, वेक्टर ए से, तो हम वेक्टर ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड केवल लिख देंगे, तो इट इज़ अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट। इधर हम वेक्टर लिखे हैं तो इधर हमको दो बात बताना होगा, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका दिशा। दिशा कैसे बताएंगे अभी तो नहीं पता, अभी इशारा से बता देंगे इस तरफ, पर थोड़ी देर में हम सीख जाएंगे कि किसी वेक्टर का दिशा को कैसे लिखते हैं। दिशा भी नंबर से ही बताना होता है, जैसे मैग्नीट्यूड बताने के लिए नंबर्स हम लोग डिसाइड कर लिए हैं, उसी तरह से दिशा बताने के लिए भी हम लोग के पास नंबर्स है। लेकिन जब हम इस पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे या सिर्फ ए लिख देंगे, तो आप उसके बगल में इक्वल टू के बगल में सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे जब मैग्नीट्यूड पूछेंगे। सो दोनों में बहुत अंतर है। वेक्टर ए इक्वल टू जब लिख रहे होंगे तो आपको दो दो बात लिखना है, और सिर्फ जब उसका मैग्नीट्यूड के बारे में लिख रहे हो तो सिर्फ एक जानकारी हमको यहाँ देना है। वी आर डेवलपिंग अवर लैंग्वेज, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी वेक्टर ए को गुना कर दें 1/a से, अब इसका मतलब हम लोग डिसाइड कर चुके हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखेंगे या सिर्फ ऐसे लिखेंगे, तो किसी वेक्टर ए को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू है रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब इस वेक्टर को देखिए, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका दिशा है वेक्टर ए के अलोंग, और उसका मैग्नीट्यूड है 1/a टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी 1। सो ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर कहलाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। उसको हम कोई एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन कैप, यानी जब कभी हम कहें ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1/a ऐसा लिखें, उसको जनरली ऐसे लिख दिया जाता है, टू बी अंडरस्टूड ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब आपको समझना है कि हम वेक्टर ए को 1/a एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो आपको समझना है कि हम एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। उसको हम लोग जनरली इस तरह का सिंबल यूज करते हैं यूनिट वेक्टर्स के लिए, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का नहीं बल्कि इस तरह का, और इसको बोलते हैं कैप, एन कैप। हम लोग को दो वेक्टर के बीच में अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर लिखते हैं उनको बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। दो रियल नंबर के बीच में भी हम लोग कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स सीखे थे। अगर ए और बी दो रियल नंबर है, रियल नंबर लाइन पे, ये जीरो है, दीज आर नंबर्स, रियल नंबर लाइन, इस पे कोई भी दो नंबर अगर हम लें ए और बी, दो स्केलर क्वांटिटीज, तो उनके बीच में हम लोग चार बाइनरी ऑपरेटर सीखे थे, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एंड डिवीजन। चार बाइनरी ऑपरेशन हम लोग डिफाइन किए थे रियल नंबर्स के दुनिया में। ये डिफाइन किए हैं तभी इसका कुछ मतलब है, यानी 2+3 का वैल्यू आप जब 5 लिखते हैं तो देर हैज टू बी अ प्रॉपर डेफिनेशन कि प्लस का मतलब क्या है। 2-3 का वैल्यू जब -1 लिखते हैं, देर हैज टू बी अ प्रॉपर डेफिनेशन, वी नो दिस डेफिनेशन। 2×3 का मतलब 2+2+2, 2-3 का मतलब 2+-3, 2/3 का मतलब 2×1/3 विच इज 1/3+1/3, यानी सब ऑपरेशन इवेंचुअली एक ही ऑपरेशन था प्लस, यानी सिर्फ प्लस को डिफाइन कर दीजिए तो सब डिफाइंड हो जाएगा,
और प्लस का डेफिनेशन था 2 प्लस 3 का मतलब ओरिजिन से चलिए 2 यूनिट्स और फिर वहाँ से चलिए 3 यूनिट्स, जिस नंबर पे पहुँचे उसी नंबर को बोलते हैं 2 प्लस 3। 2 प्लस माइनस 3 का मतलब 2 यूनिट्स, हम लोग एक दिशा को डिफाइन कर दिए थे एज पॉजिटिव डायरेक्शन रियल नंबर लाइन का और एक दिशा को डिफाइन किए थे नेगेटिव डायरेक्शन, तो 2 प्लस माइनस 3 का मतलब 2 यूनिट्स अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन फॉलोड बाई 3 यूनिट्स अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन एंड वेर एवर यू रीच इज दैट पॉइंट। तो जैसे हम लोग चार बाइनरी ऑपरेटर डिफाइन किए थे दो स्केलर क्वांटिटीज के बीच में, उसी तरह से हम लोग चार बाइनरी ऑपरेटर डिफाइन करने जा रहे हैं दो वेक्टर के बीच में। दो वेक्टर के बीच में ऐसा एक सिंबल लिखेंगे, उसको प्लस बोलेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। जैसे इसको डिफाइन किए, वहाँ भी डिफाइन करना होगा, दिस प्लस हैज गॉट डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम दिस प्लस। ए माइनस बी लिखेंगे तो उसका क्या मतलब है, और ए डॉट बी लिखेंगे उसका क्या मतलब है, बिना डेफिनेशन के ये सब मीनिंगलेस है, और ए क्रॉस बी लिखेंगे तो उसका क्या मतलब है। दीज आर दी ओनली फोर बाइनरी ऑपरेटर्स जो हम लोग डिफाइन करेंगे, दो वेक्टर के बीच में जो लिखते हैं उसको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो ए प्लस बी का मतलब हम लोग मीन करेंगे जब भी एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी और कहें कि दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करने का मतलब वेक्टर ए का जहां पे हेड समाप्त हुआ है फाइनल पॉइंट, उसी फाइनल पॉइंट पे आप बी को प्लॉट कीजिए, वहीं से शुरू कीजिए बी का बनाना, बी का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड करना चाहिए ए के फाइनल पॉइंट से। बी वेक्टर को हम यहां बनाने के बजाय यहां बनाए हैं, दोनों का लंबाई सेम है और दोनों का दिशा भी सेम है। ये वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर है और ये वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर है। हम अभी डिफाइन कर रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जो डेफिनेशन है वो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है, दो रियल नंबर्स का जो एडिशन था वो डेफिनेशन भी ज्योमेट्रिकल था। ए यूनिट्स ट्रेवल कीजिए टू द राइट और फिर वहां से भी यूनिट्स ट्रेवल कीजिए, जिस नंबर पर पहुंचेगा उसी को ए प्लस बी बोलेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा में भी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का जो डेफिनेशन है वो ज्योमेट्रिकल है। हम कह रहे हैं कि ए वेक्टर को पहले प्लॉट कीजिए, ये दोनों इक्वल है। दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का दिशा सेम हो, सेम डायरेक्शन, तो हम दो वेक्टर को इक्वल कहेंगे। तो हम ए वेक्टर को यहाँ प्लॉट किए, जहाँ उसका फाइनल पॉइंट था वहीं कोइंसाइड करता हुआ बी का इनिशियल पॉइंट बी को प्लॉट किए, और अब ए का जो इनिशियल पॉइंट था और बी का जो फाइनल पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दीजिए, इस वेक्टर को कहेंगे ए प्लस बी। यानी आप इस वेक्टर और इस वेक्टर को रिप्लेस करके एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2 प्लस 3 लिखा हो आप उसको वन सिंगल रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5। कोई अगर 2 प्लस 3 बोले और कोई 5 बोले तो दोनों एक ही बात बोल रहा है। उसी तरह से कोई दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बोले या सिर्फ दिस वेक्टर बोले, एक ही बात बोल रहा है। यहां एक और डेफिनेशन है एडिशन का, कि आप जहां पे ए वेक्टर को प्लॉट करना शुरू किए थे उसी पॉइंट पे बी वेक्टर को प्लॉट कीजिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के टेल को कोइंसाइड कीजिए, वहीं पे बनाइए दोनों को, और फिर एक पैरेललोग्राम ऐसा कंप्लीट कीजिए जिसका दो एडजेसेंट साइड्स हो वो दोनों वेक्टर। और तब उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है पासिंग थ्रू दैट कॉमन इनिशियल पॉइंट, दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को एक ही जगह कोइंसाइड किए, उस कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास करता हुआ जो डायगोनल है, बिकॉज देर आर टू डायगोनल्स तो स्पेसिफाई करना होगा, दैट पर्टिकुलर डायगोनल विल रिप्रेजेंट द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि एडिशन करने के लिए दो में से कोई एक तरीका को आप फॉलो कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से रखते हैं दोनों वेक्टर को प्लेस करते हैं तो ए प्लस बी इज द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, और जब आप इस तरह से दोनों वेक्टर को प्लेस करके ऐड करते हैं डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो हम लोग दोनों तरीकों को एक एक नाम से पुकारते हैं। पहला तरीका को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ,
ऑफ एडिशन, दूसरे तरीका को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दोनों में से किसी एक तरीका से आप समझ सकते हैं जब भी दो वेक्टर को कहें कि ऐड कीजिए। यानी मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, इसमें कोई एक पार्टिकल है जो यहां दिख रहा है, थोड़ी देर बाद यहां दिख रहा है, तो फिजिक्स में हम लोग इस क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं एज डिस्प्लेसमेंट, सम मीटर्स इन सम डायरेक्शन, मे बी एक्स एक्सिस से एक एंगल बता दें तो आप दिशा समझ जाएंगे किस दिशा में मूव कर रहा है। बताना तो होगा, क्योंकि अगर केवल कहें कि पार्टिकल यहां से 2 meters डिस्प्लेस्ड हुआ है, चाहे जिस रास्ते से भी गया हो, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसी को डिफाइन करते हैं, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर दीजिए बाय एन एरो। तो अगर हमको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप केवल बता दीजिएगा कि 2 meters से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इतना से हम नहीं समझ पाएंगे डिस्प्लेसमेंट, आप हमको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता दिए लेकिन दिशा नहीं बताए। तो दिशा बताने के लिए मे बी हम अपने रेफरेंस फ्रेम के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल बता दें कि 30 डिग्री दिशा में, हाँ अब हम समझ जाएंगे। तो ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और दिशा बताना दोनों अनिवार्य है। अब पार्टिकल मान लीजिए यहां से फर्दर वो डिस्प्लेस होता है अ डिस्टेंस ऑफ से 3 meters इन सम अदर डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मे बी 135 डिग्री दिशा में। अब हम पूछें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, यानी इनिशियली यहां था फाइनली यहां है, तो हम इसी को कहते हैं द टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि अब आज के बाद अगर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम ए सिंबल से रिप्रेजेंट करें, इतना मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बी सिंबल से डिनोट करें, सम मैग्नीट्यूड एंड दिस डायरेक्शन, तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम सिर्फ लिखेंगे ए प्लस बी। आप समझ जाएंगे हम मी नहीं कर रहे। एंड ऑफ कोर्स अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये कितना मैग्नीट्यूड हुआ और कितना डायरेक्शन हुआ, ये जानना चाहेंगे। हाउ डू वी फाइंड दैट, वो सीखेंगे। पहले तो अभी हम लोग यही डिसाइड कर रहे हैं कि ए प्लस बी का मतलब ये रहेगा। स्केलर क्वांटिटीज के केस में ए प्लस बी का मतलब ये रहेगा, रियल नंबर लाइन पे आपको मूव करना पड़ता है, तब जाकर के आप a प्लस बी को रिप्लेस कर सकते हैं बाय वन सिंगल नंबर। पहले देखिए इसका मैग्नीट्यूड बता दें, वो आसान है बताना। अगर हमको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो a और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो b, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बता देंगे बड़ी सरलता से। कैसे, देखिए ध्यान से। एक चीज और हमको पता होना आवश्यक है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, क्योंकि दोनों वेक्टर अलग अलग दिशाओं में है। तो एंगल कैसे हम लोग डिफाइन करें बिटवीन द टू वेक्टर्स, यह है वेक्टर ए का दिशा और इससे कितना एंगल बना रहा है वेक्टर बी, इसी को कहते हैं द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों वेक्टर के टेल को सटा करके एक चित्र बनाइए। जब दोनों वेक्टर के टेल को सटा करके एक चित्र बनाइएगा तो आपको दो एंगल्स दिखेगा। इन दोनों में जो छोटा वाला एंगल है उसी को कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इस तरह से प्लेस करने पर आपको एंगल नहीं दिखता है। हाँ, हम लोग एंगल समझ गए, अगर इसको यहां प्लेस किए होते तो ये एंगल कहलाता, एंगल बिटवीन देम, जो कि हम समझ गए कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसलिए दिस इज द एंगल। तो अगर हमको दो वेक्टर को ऐड करने के लिए कह रहे हैं, उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं बाय वन सिंगल वेक्टर ए प्लस बी, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकाल लेते हैं, दिशा भी निकाल लेंगे किस डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना आसान है। अगर ये एंगल थीटा है तो हम यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये लंबाई बी कॉस थीटा होगा, ये बी साइन थीटा, हमको ये लंबाई निकालना है। तो ये लंबाई हो गया a प्लस बी कॉस थीटा और ये b साइन थीटा। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ये लंबाई निकाल सकते हैं रूट अंडर a प्लस बी कॉस, a माने वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इस तरह से हमको एक रिजल्ट आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जुट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा रूट अंडर। माने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और इसका दिशा चाहिए, किसी वेक्टर का दिशा या दिशा कैसे बताते हैं, किसी का किसी नोन दिशा के रेस्पेक्ट में दिशा बताते हैं। जैसे अगर यहां पे बहुत सारा वेक्टर है, इसका दिशा बताना है, इसका दिशा उसका दिशा, तो हम इसी प्लेन में अगर डिफाइन कर दें इस दिशा को, कोई एक नाम दे दें एक्स एक्सिस, इसको कुछ नाम दे दें वाई एक्सिस, इसको नाम दे दें ईस्ट नॉर्थ, तो अब किसी वेक्टर का दिशा बताना हो तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बता दें, 30 डिग्री बोल दें, 30 डिग्री तो ऐसे भी हो सकता है, हाँ वो भी डिसाइड कर लें कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव बोलेंगे एंगल को और क्लॉकवाइज सेंस में नेगेटिव। अब आपको हम बता रहे हैं कि दिशा कैसे बताते हैं किसी वेक्टर, तो हम प्लस 30 डिग्री बोलेंगे, एक वेक्टर है पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल एक है उसका वेलोसिटी हम बोलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड कॉमा 30 डिग्री, पार्टिकल के वेलोसिटी को हम डिफाइन कर दिए। अगर हम पहले से रेफरेंस फ्रेम चुन लें, एंड वी ऑल नो एज अ फिजिसिस्ट कि बिना रेफरेंस फ्रेम के हम लोग कोई बात कर ही नहीं सकते, तो जितना भी पार्टिकल्स इस प्लेन में मूव कर रहा होगा हम सबका वेलोसिटी वेक्टर बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड और एंगल। कोई पार्टिकल कहीं है उसका वेलोसिटी हम 2 मीटर पर सेकेंड बोल दिए और माइनस 37 डिग्री, तो सब कोई समझ गया, मैग्नीट्यूड दे दिए और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से वो माइनस 37 माने क्लॉकवाइज सेंस में 37 डिग्री दिशा में मूव कर रहा है, यही बोलना चाह रहा है। एक पार्टिकल है कहीं है और उसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड 90 डिग्री, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 90 डिग्री दिशा में 1 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड का। ये जो एरो का साइज सब बनाना है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के अनुपात में बना रहे हैं, इसका दुगुना इसका तिगुना बनना चाहिए। दो वेक्टर को ऐड करने पर जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे कि कितना है, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। वेक्टर अगर हम इस वेक्टर का दिशा कहें कि बताइए इसके रिस्पेक्ट में बता दीजिए ए से कितना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 7 लिखा हो तो आप इसको एक नंबर से रिप्लेस कर देते हैं 12, उसी तरह से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर को हम रिप्लेस करना चाहते हैं बाय वन सिंगल वेक्टर, तो उसका कितना होगा लंबाई, क्या दिशा होगा, तो ए से दिशा बता दीजिए, क्योंकि अभी इस चित्र में सिर्फ एक ही दिशा दिख रहा है ए एक दिशा बी, तो ये वेक्टर ए वेक्टर से कितना इंक्लाइंड है वो बता दीजिए, या बी से कितना इंक्लाइंड है सो बता दीजिए बी और इस वेक्टर के बीच। ये वेक्टर बी है, इसको आगे बढ़ा के जरा बना के चित्र देखिए, इसको आगे बढ़ा के, तो दोनों के टेल को कोइंसाइड करने पर जो दोनों के बीच एंगल दिखता है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो या तो आप वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल बता दीजिए और कह दीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो वेक्टर है वो वेक्टर ए से इतना एंगल बना रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। दो वेक्टर को जब भी हम देंगे ऐड कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, या इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इनमें से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कहेंगे कि लगाइए दो वेक्टर के बीच में, तो हम तीन बात देंगे ऑलवेज, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और एक एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। स्केलर अलजेब्रा जो था उसमें हम स्केलर क्वांटिटीज को जब एड सब्ट्रैक्ट गुना भाग इनमें से कुछ भी करने के लिए देते तो सिर्फ हम दोनों का मात्रा बताते थे, लेकिन अब दो वेक्टर कुछ भी करने बोलेंगे तो आपको उन दोनों के बीच का एंगल बताएंगे हम। तो अगर आप कहते हैं कि हम इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ के रिप्लेस करना चाहते हैं बाय वन सिंगल वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए इस तरह से लिखते हैं और उसका दिशा बता दीजिए, तो दिशा किससे बताएं,
दिशा हमेशा किसी पहले से निर्धारित दिशा से एंगल बताया जाता है। तो यहां दो ही दिशा है जो पहले से मालूम है, एक वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इन दोनों में से किसी से बता दीजिए, जैसे हम ये एंगल कहें कि बता दीजिए, दैट विल बी एनफ। तो फिर वही हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये ऊंचाई बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा, तो ये ए प्लस टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह से हम एंगल बता सकते हैं। जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बनाएंगे, इन दोनों को हटा देंगे, तो इतना मैग्नीट्यूड का रखना होगा उसको और ए से इस दिशा में रखना होगा। अर्थात मान लीजिए कि अब एक्स वाई प्लेन में अगर कहें कि कोई पार्टिकल यहां से घसका है 3 मीटर्स एक सम एंगल 37 डिग्री दिशा में, अब फिर वहां से घसक गया है कुछ 4 मीटर्स, अब इससे कुछ 30 डिग्री दिशा में और ये 60 डिग्री दिशा में कुछ 4 मीटर्स, तो बताइए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका मैग्नीट्यूड और दिशा। तो देखिए कैसे बताएंगे। अब यहां पे अगर हमको मैग्नीट्यूड सिर्फ बताना है तो हमको सिर्फ इस एंगल से मतलब है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल इस 30 डिग्री, हम इन दोनों का दिशा दिए हैं किसी एक पूर्व निर्धारित दिशा से दिशा बताएं, लेकिन हमको चाहिए एंगल बिटवीन देम, तो इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है एंड देयरफॉर तब इन दोनों को जोड़ के अगर नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी नाम है इन दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का अगर, तो दिस वन सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछिएगा तो दैट इज इजी, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 3 मीटर × 4 मीटर × cos of the angle between them 30 डिग्री। हाँ, लेकिन अगर इसका दिशा पूछिएगा कि तो किससे दिशा पूछ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिशा पूछिएगा ई वाला एंगल, तो हम यहां एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 4 मीटर साइन 60 डिग्री और 3 मीटर साइन 30 डिग्री को जोड़ दिए तो ये ट्रायंगल का हाइट निकल गया, और 4 मीटर कॉस 60 डिग्री और 3 मीटर कॉस 30 डिग्री से बेस निकल गया, और टेन ऑफ दिस एंगल बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस करके हम दिशा बता सकते हैं। एनीवे, अभी इंपॉर्टेंट बात है कि आप मैग्नीट्यूड बता दीजिए सम ऑफ टू वेक्टर्स। ये जो एडिशन है ऑफ टू वेक्टर्स, ये कॉम्यूटेटिव है, रियल नंबर्स की तरह। रियल अलजेब्रा में जो प्लस साइन था वो भी कॉम्यूटेटिव था। 2 + 3 लिखिए या 3 + 2, यानी ओरिजिन से पहले 2 यूनिट्स जाकर के तब 3 यूनिट्स जाइए, या पहले 3 यूनिट्स मूव करके तब 2 यूनिट्स मूव कीजिए, यू अराइव एट द सेम नंबर। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन भी कॉम्यूटेटिव है, यानी हम दो वेक्टर को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, यू विल गेट द सेम वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो पहले ए का चित्र बनाए फिर बी को बनाए, जरूरी नहीं था आप पहले बी का बना लेते आप फिर ए का बनाते तो भी वही वेक्टर बनता, सो इट इज कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव भी है, अगर हम एक साथ कई वेक्टर्स को ऐड करना चाहें, जैसे एक साथ कई रियल नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं 2 + 3 + 4 + 5, एक साथ 4 को नहीं ऐड कर सकते, एक साथ 2 ही को ऐड कर सकते हैं। जब इसको ऐड करना है तो पहले इन दोनों को ऐड करें, एक नंबर आया, फिर उन दोनों को ऐड करें, एक नंबर आया, फिर ऐसे करें कि पहले इन दोनों को ऐड करें तब उसको इससे तब इससे, आप किसी तरह से भी कीजिए, यू गेट द सेम रिजल्ट। यानी हमको अगर कोई इस तरह का ब्रैकेट डाल करके लिखता है या इस तरह से ब्रैकेट डाल के लिखता है, ब्रैकेट का महत्व हम सब जानते हैं, ब्रैकेट का मतलब सबसे पहले वही करना है आप फिर ऐसा ब्रैकेट, तो ऐसा ब्रैकेट डालने का आवश्यकता नहीं है। आप ब्रैकेट नहीं भी डालिएगा, हम किसी ऑर्डर में भी ऑपरेशन करेंगे तो विल अराइव एट द सेम रिजल्ट। यानी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। वेक्टर ऑपरेशन भी, वेक्टर का जो एडिशन ऑपरेशन है वो भी एसोसिएटिव है, यानी ए प्लस बी प्लस सी जब कहें कि ऐड करके बताइए, हमको ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं है, यानी हम ऐसे ब्रैकेट डाल दें या ऐसे डाल दें, दोनों में अंतर है। हम यहां कहना चाह रहे हैं पहले इन दोनों को जोड़िए फिर उसके साथ जोड़िए, यहां कह रहे हैं कि पहले इन दोनों को जोड़िए तब इसको साथ जोड़िए,
किसी भी केस में सेम आंसर आएगा। अगर ऐसा है तो ब्रैकेट डालने का आवश्यकता नहीं है, यानी ब्रैकेट डालने का जब आवश्यकता नहीं हो तो हम कहते हैं दी ऑपरेशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ। सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को ऐड करना है, तो हम ए जहां फाइनल पॉइंट समाप्त हुआ वहीं पे बी को बना लेते हैं और फिर वहीं पे सी को आके बना लेते हैं, जो भी है सी यहां से अंत तक ज्वाइन कर देते हैं। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स, दिस रिप्रेजेंट्स ए प्लस बी, अगर ये ए है वो बी है तो दिस इज ए प्लस बी एंड ए प्लस बी प्लस सी इज दिस वेक्टर। आप किसी भी ऑर्डर में अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली सजाते तो यही वाला एरो बनता, मैंने चित्र कहीं बना लीजिए यही वाला बनता, मतलब इतना ही लंबा बनता और उसी दिशा में बनता। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, अगर दो वेक्टर को हम कहें कि ऐड कीजिए, अब ऐड करने का मतलब समझ रहे हैं हम सब, और कहें कि इसको स्केलर क्वांटिटी से गुना कीजिए, टू से गुना कर दीजिए, इट इज सेम एज ए को हम पहले मल्टीप्लाई कर लें उस स्केलर से, बी को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों वेक्टर को ऐड करें, यू गेट दी सेम वेक्टर। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। द स्केलर एम डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ ओवर द वेक्टर्स ए एंड बी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ऑपरेशन इज क्वाइट सिंपल, जैसे रियल नंबर्स के बीच में ए माइनस बी का मतलब था एक्चुअली एडिशन, तो इसका मतलब भी एडिशन है, दिस प्लस माइनस ऑफ दिस। आई रिपीट, एक लैंग्वेज है जो हम लोग बना रहे हैं ताकि भविष्य में अब ऐसा लिखेंगे तो आप क्या समझेंगे हम कहना चाह रहे हैं, दैट्स ऑल। और माइनस बी का मतलब, अगर इसको वेक्टर बी कह रहे हैं तो माइनस वेक्टर बी का मतलब रहेगा अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन। ए माइनस बी करने के लिए वेक्टर ए अगर है और वेक्टर बी है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ए माइनस बी, तो जहां वेक्टर ए समाप्त हुआ वहीं पे माइनस बी वेक्टर बना दें। नाउ दिस इज वेक्टर बी, तो दिस इज माइनस वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी विच इज ए माइनस बी, या दोनों के टेल को सटा करके एक चित्र बनाइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के टेल को सटाइए। टेल को सटाना, एक जगह दोनों वेक्टर को बनाना इज एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि इस चित्र में आपको तीन बात दिखता है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन देम, यानी एडिशन के समय भी अगर आप एक जगह टेल सटाते, ऑफकोर्स उसको ऐड करने के लिए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते और ये डायगोनल को कहते ए प्लस बी, अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी दोनों के टेल को सटा के एक चित्र बनाइए, और अगर आपको ए माइनस बी चाहिए तो एक एरो बनाइए फ्रॉम बी टू ए, यानी एक ऐसा एरो बनाइए जिसका फाइनल पोजीशन वेक्टर ए के फाइनल पॉइंट से कोइंसाइड करे, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी कि अगर हम बी माइनस ए बोलेंगे बनाने तो आपको एरो इधर से बनाना है, ओके। इट मींस कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जिसको बोलते हैं और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जिसको बोलते हैं दोनों बराबर नहीं है, हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बाय डेफिनेशन, लेकिन एक माइनस साइन का अंतर है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। सो माइनस ऑपरेशन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। रियल नंबर्स में भी 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 का वैल्यू सेम नहीं होता था, तो एडिशन करने के लिए भी और सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों केस में हम वेक्टर्स को अगर टेल सटा करके रख दें तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, ये वेक्टर कहलाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये वेक्टर कहलाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एडिशन के लिए आपके पास एक विकल्प था ट्रायंगल के रूप में सजाना, सब्ट्रैक्शन में भी विकल्प है ट्रायंगल के रूप में, आप अगर वेक्टर ए यहां बनाते और उसका जहां फाइनल पॉइंट खत्म हुआ वहीं पे माइनस बी वेक्टर बना देते तो देखिए यही है ए माइनस बी, तो ट्रायंगल लॉ दोनों केस में है, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी, इसीलिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज एक्चुअली एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां भी होता है, ओबे होता है, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करने के लिए कहें किसी स्केलर से तो इट इज सेम एज
पहले वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर लीजिए अलग से, वेक्टर बी को स्केलर से, मल्टीप्लाई करने का मतलब हम सब जानते हैं, वही दिशा रहेगा और मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो विपरीत दिशा में, और तब सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें भी वैलिड है, लेकिन एसोसिएटिव यहाँ नहीं वैलिड। अगर हम ए प्लस बी माइनस सी लिखते हैं, नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम ब्रैकेट ऐसे डालते हैं तो हम चाहते हैं कि पहले b माइनस सी वेक्टर क्रिएट कीजिए, a उसमें ऐड कीजिए। और अगर हम ऐसे लिखते हैं a प्लस बी माइनस सी, तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि पहले a और b को ऐड कर लीजिए, तब जो वेक्टर बने उसमें से c सब्ट्रैक्ट कीजिए। a माइनस बी माइनस सी लिखेंगे अगर हम a माइनस बी माइनस सी लिखते हैं, तीन वेक्टर के बीच में हम माइनस माइनस ऑपरेशन लगा दिए। नाउ आई हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट डू आई मीन। अगर ब्रैकेट हम यहां डालते हैं तो इट इज डिफरेंट, और ब्रैकेट अगर यहां डालते हैं देन इट इज डिफरेंट, द टू वेक्टर्स आर डिफरेंट, यानी ब्रैकेट डाले बिना काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि माइनस 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 अगर लिख दें हम, चार वेक्टर है बीच में माइनस लिख दें, नाउ दिस इज अनक्लियर कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आई मस्ट पुट ब्रैकेट्स, लेकिन सब जगह प्लस प्लस लिख दें देन आई डोंट नीड टू पुट ब्रैकेट्स। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दें, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन दे दे दें, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा जानना चाहते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल लिए, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और ये लंबाई, यानी ये लंबाई आप निकालें, ये लंबाई निकालिए, फिर वही परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, दिस इज बी साइन थीटा, दिस इज बी कॉस थीटा, दिस इज ए माइनस बी कॉस थीटा। सिर्फ ट्रायंगल्स के साथ आप खेल रहे होते हैं, क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तीन वेक्टर हैं, इन तीनों को जब हम एक चित्र के रूप में सजाते हैं तो तीनों एक ट्रायंगल का तीन डिफरेंट साइड्स, दिस दिस एंड दिस के रूप में सजता है। जब वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को सजाते हैं तो फिर थ्री डिफरेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के रूप में सज जाता है। यानी कुल मिलाकर के वी आर जस्ट सॉल्विंग ट्रायंगल्स। तो अब ये दोनों साइड का लंबाई पता है, एंगल बिटवीन देम पता है, तो इसका लंबाई रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। यानी कि हम दो वेक्टर दे दें पांच यूनिट मैग्नीट्यूड और थ्री यूनिट मैग्नीट्यूड का, हम कह दें कि दोनों को ऐड कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं आप तब तक जब तक कि हम एंगल नहीं बता दें दोनों के। ये रियल नंबर्स को कहते हैं कि ऐड कर दीजिए, तो आंसर इज एट। एक वेक्टर है फाइव मैग्नीट्यूड का, एक वेक्टर है तीन मैग्नीट्यूड का, अभी दोनों के बीच एंगल जीरो है, कोलिनियर बोलते हैं। अब इन दोनों को कहें कि ऐड कीजिए, देखिए वेक्टर अगर ऐसे होता सम एंगल पे झुका हुआ तो दिस इज द वेक्टर सम, अगर एंगल जीरो है ऐसे तो यहां से लेकर के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक एरो बनाएंगे, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लस दिस वेक्टर, जो कि एट के बराबर होगा। लेकिन अगर हम इसी वेक्टर को इमेजिन कीजिए रोटेट करना शुरू करते हैं, एंगल चेंज करना शुरू करते हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड वही है लेकिन रोटेट करना शुरू करते हैं, अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड आठ से कम हो गया, ऐसे कर दीजिए और कम हो गया, ऐसे कर दीजिए और कम हो गया मैग्नीट्यूड, एंगल को हम बढ़ाते जा रहे हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स, रोटेट करते करते ऐसे कर दीजिए, नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड। यानी कि वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड दिया हो पांच और वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड दिया हो थ्री, हम कहें कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए और एंगल ना बताएं दोनों के बीच में, तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निश्चित रूप से कितना के बीच में होगा, उसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस बी जो है ये थर्ड साइड रिप्रेजेंट करता है ऑफ द ट्रायंगल, उस साइड का लंबाई है, तो किसी ट्रायंगल के दो साइड का लंबाई पता हो पांच और तीन, तो तीसरे साइड का लंबाई
जब तक एंगल नहीं बता दें तब तक नहीं बता सकते हैं, लेकिन कितना से कितना के बीच में लाई करेगा वो इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। कॉस थीटा का ग्रेटेस्ट वैल्यू पॉसिबल है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। रूट ऑफ इतना इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स नहीं मॉड एक्स, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है रूट अंडर, तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए प्लस बी। मॉड लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, तो इसका वैल्यू ए प्लस बी से छोटा होगा, दैट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू -1, जब दोनों के बीच एंगल 180 होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab को हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर लिखेंगे लीस्ट वैल्यू, जिसको कि ए माइनस बी नहीं लिख सकते, मॉड ऑफ ए माइनस बी, और मॉड नहीं हटा सकते हैं क्योंकि पता नहीं आप ए बड़ा वाला को कह रहे हैं कि छोटे वाले को। हमने दोनों में जो अंतर है 5 और 3 मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर को ऐड कीजिए, तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल मैग्नीट्यूड इज 5 + 3 = 8 एंड दिस लीस्ट पॉसिबल मैग्नीट्यूड इज द डिफरेंस बिटवीन देम यानी 2। एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और एक फोर्स 3 न्यूटन, दोनों को ऐड करके आप रिप्लेस करना चाहते हैं बाय 1 सिंगल फोर्स, कितना मैग्नीट्यूड होगा उस 1 सिंगल फोर्स। तो जब तक हम एंगल नहीं बता दें दोनों के बीच में आप नहीं बता सकते, हाँ लेकिन इतना तो पक्का बता सकते हैं कि दोनों मिल करके मैक्सिमम कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है 8, और दोनों मिल करके मिनिमम अगर ये उधर खींचे और ये विपरीत दिशा में खींचे तो लीस्ट फोर्स 2 न्यूटन फोर्स से आप रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। देयर आर 4 बाइनरी ऑपरेटर्स जो हम लोग को सीखना है, 2 सीख लिया। वेक्टर ए दिया होगा, वेक्टर बी दिया होगा, दोनों के बीच एंगल दिया होगा। जब हम ए डॉट बी लिखेंगे तो हम क्या मीन कर रहे होंगे बस उतना ही बताना है, जैसे ए प्लस बी लिखेंगे तो हम ई मीन कर रहे होंगे, अच्छा ए माइनस बी बोलेंगे तो ई मीन कर रहे होंगे, बी प्लस ए बोलेंगे तो अभी भी हम यही मीन कर रहे होंगे, अब बी माइनस ए बोलेंगे तो हम ई मीन कर रहे होंगे। ओके, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे ए डॉट बी तो हम क्या मीन कर रहे होंगे, मीन कर रहे होंगे एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर में, ए का मैग्नीट्यूड गुने बी का मैग्नीट्यूड गुने कॉस थीटा। बी कॉस थीटा को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, यानी आपको ए डॉट बी बोलेंगे करिए, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ऑफ दीज टू वेक्टर्स, उसका मतलब है कि आप एक के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे के कॉम्पोनेंट से अलोंग द फर्स्ट। इसको हम b टाइम्स a cos थीटा भी लिख सकते थे, मतलब तो उसका मतलब होता a का कॉम्पोनेंट अलोंग b गुने मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसलिए कि जो डिफाइन कर रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट को वो एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा फिजिक्स में, कभी वर्क डन बाय ए फोर्स, कोई पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और वो पॉइंट घसकता है डिस्प्लेसमेंट dr, तो हम लोग वर्क डन बाय दिस फोर्स डिफाइन किए हैं फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, उस क्वांटिटी को कहते हैं वर्क, एंड दैट चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी, जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है इट कैनॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, यानी वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता है, यानी वो वर्क नहीं कर सकता है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वही वर्क करता है, वही काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। तो वहां हमको डिफाइन करना था वर्क को एज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग वहां पे ऐसे बोल देंगे एफ डॉट डी आर, वहां यूज करेंगे हम लोग इस लैंग्वेज को, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब डिफाइन कर रहे हैं अनदर वेक्टर, जैसे ए प्लस बी इज अ वेक्टर, ए माइनस बी इज अ वेक्टर, ए डॉट बी इज अ स्केलर, ए क्रॉस बी वेक्टर जब बोलेंगे तो आपको समझना है
कि एक वेक्टर का बात कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड है a गुने b गुने साइन थीटा, b का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर a दिशा, ये b साइन थीटा हो गया, ये b कॉस थीटा हो गया। तो b साइन थीटा को गुना करने बोल रहे हैं a से, या a का कंपोनेंट ले लीजिए b के परपेंडिकुलर दिशा में a साइन थीटा, उसको b से गुना करने बोल रहे हैं, और उसका दिशा हम a क्रॉस b वेक्टर को पहले से डिफाइन कर रहे हैं, तो क्योंकि बोले कभी कोई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ये मेरा रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ कोई पार्टिकल दिख रहा है मोमेंटम p, उसका पोजिशन वेक्टर मेरे रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में r, हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओ एज आर क्रॉस पी। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं अभी डिसाइड कर लें, ये वेक्टर r और वेक्टर b, वेक्टर r को आगे बढ़ा के रखिए ताकि एंगल दिखे, तो हम एक वेक्टर का बात कर रहे हैं, आई एम डिफाइनिंग एंगुलर मोमेंटम एज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड p गुने r गुने साइन थीटा, और डायरेक्शन वेक्टर को आगे बढ़ाइए ताकि दोनों का टेल कोइंसाइड करे, या तो r को आगे बढ़ा के बना दीजिए या p को यहाँ बना दीजिए, दोनों में से कोई एक काम कीजिए, नहीं तो आप नहीं कर पाइएगा कोई बाइनरी ऑपरेशन करना हो बिटवीन टू वेक्टर्स, यू मस्ट प्लेस देम विद देयर टेल्स कोइंसाइडिंग। अब r क्रॉस p का दिशा हम पहले से डिसाइड कर लें, हम लोग डिसाइड किए हैं कि a क्रॉस b जब बोलेंगे तो हम मीन कर रहे होंगे एक ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का जहां जहां टेल सटाइएगा एक यूनिक प्लेन डिफाइन हो जाता है, जैसे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो स्ट्रेट लाइन जहां इंटरसेक्ट कराए एक प्लेन डिफाइन हो जाता है। तो ए क्रॉस बी बोलेंगे तो आप समझेंगे एक ऐसा वेक्टर का बात कर रहे हैं जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर दिशा में है, तो परपेंडिकुलर तो दो दिशा हो गया, जैसे इस चित्र में एक आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड और एक इन टू द बोर्ड, तो उसको भी क्लियर कर दे, हम लोग अपना दाहिना हाथ को वेक्टर ए के अलोंग रखेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे बी की तरफ थ्रू द स्मॉलर एंगल, क्योंकि हम ऐसे हाथ रखने के बजाय ऐसे भी रख सकते थे, अब बी की तरफ मुट्ठी बंद करते, लेकिन इस तरह से बंद करेंगे तो लार्जर एंगल के थ्रू बंद करेंगे, तो थ्रू द स्मॉलर एंगल मुट्ठी बंद करना है, तब अंगूठा इधर पॉइंट करेगा, उसी दिशा को हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर का दिशा चूज कर रहे हैं। ये लैंग्वेज है जो हमारे और आपके बीच में तय होना जरूरी है, नहीं तो हम r क्रॉस p बोलेंगे तो आप समझेंगे नहीं कि इस समय एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल का दिशा किधर आपको बोलना है। तो r के अलोंग अपना दाहिना हाथ रखिए, अब p की तरफ मुट्ठी बंद कीजिए थ्रू द स्मॉलर एंगल, अब ऐसे रखिएगा तो अब लार्जर एंगल की तरफ से मुट्ठी बंद करना है, तो पोजिशन वैक्टर आर के अलोंग रखे और मुट्ठी बंद किए, यानी जिस वेक्टर को हम कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, वो निश्चित रूप से परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एक पार्टिकल ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, किसी वक्त उसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी पता है और उसका रेडियस आर के सर्कल में घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उसका मोमेंटम हो गया एम इंटू ओमेगा इंटू आर। किसी वक्त उसका पोजीशन वेक्टर ये है, इस वक्त हम पूछें कि उसका एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है इस वेक्टर और उस वेक्टर के बीच में, इसको आगे बढ़ाइए ताकि दोनों का टेल कोइंसाइड करे तो आपको एंगल दिखेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अलग से, हमेशा वेक्टर्स के बारे में पूछे ना तो अलग अलग बताना चाहिए मैग्नीट्यूड और अलग से दिशा। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया मोमेंटम इंटू पोजिशन वेक्टर इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये मैग्नीट्यूड हो गया, यानी एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा, जो कि हम लोग आई ओमेगा बोलते हैं इसको, और दिशा आर वेक्टर, ये आर वेक्टर और ये पी वेक्टर का क्रॉस, तो इस चित्र में इस दिशा में, यानी ओमेगा वेक्टर का भी दिशा हम लोग इसी प्रकार डिफाइन किए थे, यानी ओमेगा वेक्टर के दिशा में एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा, यानी हम लोग इसको एक सिंगल एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स ओमेगा वेक्टर, यानी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का दिशा होगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर के दिशा में और उसका मैग्नीट्यूड होगा आई गुने ओमेगा। तो ये हमारा भाषा है, हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो आप कैसे समझिएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं जब तक ये एक बार सीख नहीं लीजिएगा।
सो दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज जो हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं टू बी यूज्ड फॉर फिजिक्स. खैर अभी वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे कैसे अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है. ये डिसाइड हो गया है कि वेक्टर क्वांटिटी का जब बात करेंगे तो हमको दो बात बताना होगा, मैग्नीट्यूड और दिशा. दिस इज व्हाट वी विल डू. एक वेक्टर क्वांटिटी अगर एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम लोग दो यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं, आई कैप और जे कैप, along the positive x direction and along the positive y direction. इसको रिप्लेस कर सकते हैं by two component vectors. Something i cap, इस vector को कहेंगे, इस vector को something j cap. यानी इस एक single vector को हम ऐसे लिखेंगे a1 i cap plus a2 j cap. अभी जस्ट सीखे हैं कि this plus this का मतलब होगा this. तो इस वेक्टर को हम a1 i cap बोल रहे हैं. a1 i cap जब बोलेंगे तो उसका मतलब है i cap पहले से डिसाइड कर दिए, i cap पहले से डिफाइन कर दिए, अ यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस. तब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या मतलब होगा ये तय हो चुका. 2 i cap बोलेंगे तो हम एक वेक्टर मीन कर रहे होंगे 2 मैग्नीट्यूड का इस दिशा में. -5 i cap बोलेंगे तो हम वेक्टर मीन कर रहे होंगे 5 मैग्नीट्यूड का इस दिशा में. और ये दिस प्लस दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन सिंगल वेक्टर फ्रॉम टेल टू हेड. तो अगर इन दोनों को ऐड करके एक वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं तो इसका मतलब एक वेक्टर को तोड़ के हम अनगिनत वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं. जैसे 2+3+7 को हम 12 लिख सकते हैं, तो कभी आवश्यकता पड़ने पे हम 12 को 2+3+7 लिख सकते हैं. वाई ओनली 2+3+7? हम 12 को इनफाइनाइट तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं. यानी दिस सिंगल वेक्टर को जरूरी नहीं था कि दिस प्लस दिस के रूप में हम एक्सप्रेस करें. हम दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज वन सिंगल वेक्टर. वी नो दिस नाउ. लेकिन हम सब एक यूनिक तरीका चाहते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का, ताकि एक बार अगर हम किसी सवाल में अपना रेफरेंस फ्रेम डिफाइन कर दें सबके लिए सेम आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर्स, तब किसी भी वेक्टर को हर विद्यार्थी एक ही तरीका से रिप्रेजेंट करे तो उसका हम लोग उपाय. अब इससे कम वेक्टर्स में नहीं रिप्रेजेंट होगा. इस प्लेन में लाई करने वाला कोई वेक्टर हो तो उसको कम से कम 2 वेक्टर के सम के रूप में एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा. अनलेस एंड कोई पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस तब उसको सिर्फ समथिंग आई कैप, या पैरेलल है टू द एक्सिस तो उसको समथिंग जे कैप. बट इन जनरल इस प्लेन में लाई करने वाला कोई भी वेक्टर होगा उसको अब हम सब कोई यूनिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे एज सम ऑफ 2 वेक्टर्स. केवल करना यह है कि उसका कंपोनेंट्स निकालने आना चाहिए. अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दें, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस वेक्टर से 5 m/s एट एंगल 30°, तो अब पार्टिकल का वेलोसिटी लिखना है अगर वेक्टर के फॉर्म में हम लोग अपने इस तरीके के फॉर्म में कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में, तो हम सब जानते हैं क्या करना है. 5 m/s इंटू cos 30° आई कैप प्लस sin 30° जे कैप, इस तरह से लिखेंगे. इसको कहेंगे कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर. 5 m/s इंटू sin 30° को कहेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. किसी वेक्टर को लिख, कोई पार्टिकल यहां है उसका हमको वेलोसिटी बताना है, इस दिशा में जा रहा है वो 4 m/s के स्पीड से, मान लीजिए 45° एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस से 45° इस तरह से झुका हुआ है. कोई एंगल दे देंगे जिससे कि आपको दिशा का बोध हो जाए. हो गया इतना, एनी एंगल. अब इसको हम कंपोनेंट से तोड़ना है तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, तो आपके पास एक विकल्प है कि इधर से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल ले लीजिए 225°. तब 4 m/s cos 225° आई कैप, आप 4 m/s sin 225° जे कैप लिख दीजिए. और ये जो फंक्शंस है दे विल टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन. एक्स कंपोनेंट नेगेटिव नंबर आना चाहिए
और y कंपोनेंट भी नेगेटिव नंबर, तो आ जाएगा वी नो कि 180 प्लस 45 है, दिस इज 225 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री जे का। हम इस तरह से वेलोसिटी वेक्टर को लिख दिए और फंक्शंस अपना काम कर लेगा, एक्स कंपोनेंट आना चाहिए नेगेटिव नंबर, वाई कंपोनेंट नेगेटिव नंबर, फंक्शन दिख रहा है खुद ब खुद नेगेटिव नंबर्स रिटर्न कर देगा, या हम ये सब ना करें सीधे केवल लंबाई निकाल लें इस ट्रायंगल का, 4 cos 45 डिग्री विच इज 4 बाई रूट 2, 2 रूट 2, 4 sin 45 डिग्री 2 रूट 2, और जो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो माइनस 2 रूट 2 आई कैप और माइनस 2 रूट 2 जे कैप लिख दें, दैट इज अनदर वे टू फाइंड द कॉम्पोनेंट्स। अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर्स है, आपको जिन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, इफ ऑल ऑफ देम आर पैरेलल, कोई पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, कोई का इधर है, कोई का इधर है, इन्हीं सब को रिप्रेजेंट करना है, ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स को बोलते हैं कोलिनियर सेट ऑफ वेक्टर्स। तो आपको सिर्फ एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करने का जरूरत है, दिशा बताने के लिए यू नीड वन डायरेक्शन पहले से डिफाइन करते हैं, कुछ भी एक नाम रखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम उसका नाम रख दिए आई कैप। अब जितना भी वेक्टर है सबको हमको सिर्फ आई कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये पार्टिकल का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, कोई दूसरा पार्टिकल बी है उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, तो इसका वेलोसिटी लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एज 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी एज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप। कोलिनियर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड ओनली वन यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन, उसका काम है दिशा, ताकि आप जब भी ऐसे लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे किस दिशा का बात कर रहे हैं, और ऐसे लिखेंगे तो माइनस आई कैप दिशा है, मैग्नीट्यूड 4 है। लेकिन अगर सेट ऑफ कोप्लेनार वेक्टर्स हो, सब वेक्टर्स एक प्लेन में है बट कोलिनियर नहीं है, कोप्लेनार बट नॉन कोलिनियर, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड टू डायरेक्शंस, ताकि हर वेक्टर को हम दो दो कंपोनेंट में एक्सप्रेस करते हैं। और अगर सेट ऑफ नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स है, पहला हम सेट बोले कोलिनियर, दूसरा बोले कोप्लेनार, एक प्लेन में बट नॉन कोलिनियर, को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो यूनिट वेक्टर डिफाइन करना होगा, तब आप हर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। और तीसरा बोल रहे हैं सेट ऑफ नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स। अब नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स को अगर रिप्रेजेंट करना है स्पेस में, यू नीड थ्री यूनिट वेक्टर्स आई जे के, आई जे एंड के। हाँ, यहाँ आई जे के का जो चॉइस है वो हम लोग राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करते हैं एसेंशियली, यानी आप जिधर मन चुन लें आई, जिधर मन चुन लें जे, फिर के का चॉइस मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, आई क्रॉस जे करने पर के की दिशा में होना चाहिए। हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहे हैं, इस तरह से लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे लिखते हैं आई क्रॉस जे, जैसे इस चित्र में आई इधर दिखाए जे इधर दिखाए, तो आई क्रॉस जे के इस तरफ हमको चुनना ही पड़ेगा, अगर हम नीचे चुन लेंगे दैट इज अ रॉन्ग चॉइस, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड चॉइस। तो राइट हैंडेड चॉइस में जरूरी है कि आई क्रॉस जे के की दिशा में हो, जे क्रॉस के आई की दिशा में, के क्रॉस आई जे की दिशा में। आप एक खाली चेक कर लीजिए, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाता है। अब हम कोई भी वेक्टर थ्री डायमेंशन में हो तो हम उसके टेल से शुरू करेंगे, माथा तक जाना है, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे एवरी सिंगल वेक्टर। एक बार थ्री यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर दें तो एवरी सिंगल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिकली, हर कोई का सेम आंसर होगा। और कंपोनेंट कैसे बताएंगे हम, इस वेक्टर का दिशा आपको बताए होंगे मे बी, मैग्नीट्यूड और दिशा। एक पार्टिकल मान लीजिए मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका दिशा बताए होंगे हम, जैसे टू डायमेंशन में दिशा कैसे बताते थे, एक्स एक्सिस से एंगल बता दिए, दिशा समझ गया। अब थ्री डायमेंशन में एंगल बताने के लिए हमको तीन एंगल बताना होगा, अभी वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से कितना एंगल, और जेड एक्सिस से कितना एंगल, अल्फा बीटा गामा तीनों बता देंगे तो हम इस वेक्टर को लिख सकेंगे 5 मीटर पर सेकेंड कॉस अल्फा आई कैप एंड 5 मीटर पर सेकेंड कॉस बीटा जे कैप एंड 5 मीटर पर सेकेंड कॉस गामा के कैप। हम लोग जनरली क्या करते हैं, एंगल बताने के बजाय
कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का ही वैल्यू दे देते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग द वैल्यूज अल्फा बीटा गामा, जो जरूरी है, दिशा नहीं तो नहीं पता चलेगा हमको। वेक्टर क्वांटिटी का पढ़ाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड बताइए, दिशा बताइए, सब कोलिनियर वेक्टर्स हो ना, तो दो ही दिशा है, या तो सब इधर है या इधर है कोई, तो हम एक टू यूनिट वेक्टर आई कैप बोल दिए, अब सबका दिशा होगा या तो आई कैप या माइनस आई कैप, कोप्लेनार है बट नॉन कोलिनियर, तो हमको दिशा बताने के लिए एक्स एक्सिस से एंगल बता देना है, बस हम दिशा समझ जाएंगे। थ्री डायमेंशन में तीन एंगल बताना पड़ता है, तो अगर हम उसका डायरेक्शन को साइंस दे देंगे तो आप इस वेक्टर को लिख सकेंगे 5li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप, 5 मीटर पर सेकेंड आप ऐसे लिख सकेंगे। चलिए एक बात समझ गए कि अगर हमको वेक्टर्स के बारे में बताया जाए, उसका मैग्नीट्यूड और एंगल्स, तो हम उसको अपना एक भाषा बनाए हैं, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे। और उल्टा, अब अगर कोई वेक्टर हम ऐसा लिख देते हैं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, हम वेक्टर का कंपोनेंट्स लिखेंगे, तो अगर मान लीजिए यहाँ रेफरेंस फ्रेम यही है, यही मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यही मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस डिफाइंड है, यानी इस दिशा में यूनिट वेक्टर है, उसका नाम है आई कैप और इस तरफ जे कैप, तो हम एक वेक्टर ए है, मे बी किसी पार्टिकल का हम वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हो, या किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा हो, मोमेंटम, कोई भी चीज, तो क्या आप इसको देख के समझ गए? जैसे अगर हम कहते कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और एंगल 30 डिग्री है तो समझ जाते ना, लेकिन अब हम आपको वैसे नहीं दे करके बताना ये वेक्टर है, लेकिन बताएंगे दिस एंड प्लस दिस, तो ये ए1 मैग्नीट्यूड, ये ए2 मैग्नीट्यूड, तो क्या आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझ गए कि कितना हम बोलना चाह रहे हैं? देयर आर ओनली टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड एंगल। हम आपको लिखेंगे वेक्टर ऐसे, आपको समझ जाना है कि हम मैग्नीट्यूड मीन कर रहे हैं रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, और एंगल मीन कर रहे हैं टेन इनवर्स ऑफ ए टू बाई ए वन। वेक्टर को हम कई बार ऐसे ब्रैकेट में खाली लिख देंगे ए वन कॉमा ए टू, अगर एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है ढेर सारा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो ऐसे लिखेंगे। और थ्री डायमेंशन में जब कोई वेक्टर हम देंगे, कोई वेक्टर, तो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, उसका तीन कंपोनेंट वेक्टर्स बताएंगे, या संक्षेप में हम ब्रैकेट में ए वन ए टू ए थ्री लिख देंगे ब्रैकेट में, तो क्या आप समझ गए कितना मैग्नीट्यूड और कितना एंगल्स बना रहा है ये वेक्टर विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तीनों से, हाँ तीनों इसी में छिपा है। इसका मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखें या सिर्फ ए लिखें, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड है रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। कोई वेक्टर है ए, उसका एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट एंड जेड कॉम्पोनेंट, तो ये लंबाई कितना हुआ, ये 90 डिग्री है, x एक्सिस के पैरेलल, फिर y एक्सिस के पैरेलल, तो 90 डिग्री है, फिर उस पे खड़ा ये एक्स वाई प्लेन पे खड़ा z कॉम्पोनेंट, इफ दिस इज a1 दिस इज a2 देन दिस इज रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड दिस इज a3 सो दिस इज रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सिमिलर है, और एंगल्स, अगर इसका मैग्नीट्यूड a है और x एक्सिस से मान ले अल्फा एंगल बनाता है, तो a cos अल्फा का वैल्यू a1 मालूम है, सो कॉस अल्फा का वैल्यू ए वन बाई ए, ए टू बाई ए एंड ए थ्री बाई ए, यह है इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस। हम लोग ऑलरेडी थ्री डी ज्योमेट्री में सीख चुके हैं कि हम लोग सिर्फ ए वन ए टू ए थ्री लिखेंगे और उसको कहते हैं इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज। वी हैव टू बी वेरी फास्ट एंड कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज। हम वेक्टर का तीन कॉम्पोनेंट देंगे, उम्मीद करेंगे कि इसका दिशा आपसे पूछेंगे तो आप, कितना इंटरेस्टिंग है, हम एक वेक्टर क्वांटिटी को तीन नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको समझ जाना है मेरे रेफरेंस फ्रेम में इस वेक्टर का दिशा भी बताए हैं, हम पूछेंगे दिशा क्या है तो आप सिर्फ बोलेंगे ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री नंबर्स, हम लोग सब समझ जाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं।
अगर हम a1 को a से डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, a2 को भी, तो ये cos अल्फा cos बीटा और cos गामा का वैल्यू है। नाउ वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई एक ऐसा तरीका चाहिए था सिर्फ नंबर्स जिसको देख करके हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों समझ जाएंगे। नाउ हाउ डू वी ऐड, अगर वेक्टर ए हम दे दें a1 a2 a3, वेक्टर बी दे दें b1 b2 b3, एंड आई आस्क यू टू ऐड देम, तो जो डेफिनेशन है उसी के अनुसार एडिशन होगा। जैसे अगर हम टू डायमेंशन में एक वेक्टर ए है उसका कंपोनेंट्स है a1 और a2, एक वेक्टर b है b1 b2, दोनों को ऐड करना है, तो जरा जहां a का माथा समाप्त होता है b को वहीं पे प्लेस करते हैं, तो ये है b1 b2, तो वेक्टर a को रिप्लेस कर दिए हैं दिस और दिस से, वेक्टर b को रिप्लेस कर दिए हैं दिस और दिस से, यानी ये चित्र बनाइए दिस और दिस बनाइए या ये बनाइए, एक ही बात। अब इसी को कहे हैं हम लोग दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट हो गया वो इसका x कंपोनेंट प्लस इसका x कंपोनेंट, और इसका जो y कंपोनेंट हो गया वो उसका y कंपोनेंट प्लस इसका y कंपोनेंट। थ्री डायमेंशन में भी इसी को एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी जब ऐड करने बोलें तो x कंपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए y कंपोनेंट्स को एक साथ और z कंपोनेंट्स को एक साथ, ये प्लस और ये प्लस अलग है, ये वेक्टर वाला प्लस है दो वेक्टर के बीच में लिखा है, ये स्केलर वाला प्लस है दो स्केलर के बीच में लिखा है। ए माइनस बी करने बोले सेम थिंग, ए वन माइनस बी वन कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट को सबट्रैक्ट करना है। अगर हम थ्री टाइम्स वेक्टर ए बोले तो हम उसका मतलब समझते हैं एक वेक्टर का बात हो रहा है जिसका डायरेक्शन रेशियोज ए वन ए टू ए थ्री ही होगा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अब तिगुना होना चाहिए, तो ये इक्वल टू हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्री से, दिस मीन्स थ्री ए वन कॉमा थ्री ए टू कॉमा, ऐसे लिखेंगे हम लोग थ्री टाइम्स ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री, और फिर थ्री से हम सबको मल्टीप्लाई करके थ्री ए वन कॉमा थ्री ए टू कॉमा थ्री ए थ्री, इसका डायरेक्शन रेशियोज देखिए वही है। दो वेक्टर को हम आइडेंटिकल कब कहेंगे, अब डेफिनेशन के अनुसार जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का दिशा सेम हो, तो दो वेक्टर ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, तो आइडेंटिकल के लिए यही टेस्ट है, दिस इक्वल टू दिस का मतलब जब भी बोलेंगे ना दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ये तभी संभव है जब ईच कंपोनेंट इक्वल हो, नहीं तो संभव नहीं है। तो टू वेक्टर्स विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए वन इक्वल बी वन, ए टू इक्वल बी टू, ए थ्री इक्वल बी थ्री, और सिर्फ पूछें कि दो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं, इक्वल वेक्टर्स, ये चेक करना है। माने अगर इस तरह का आप देखें ना कि तीनों कंपोनेंट एग्जैक्टली सेम है तो आप कहेंगे दोनों वेक्टर इक्वल है, और कोलिनियर कोलिनियर का मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही सेंस में हो, ऐसे और ऐसे भी है, तो ये तीनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स है, तो कोलिनियर है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा, तो बड़ा सिंपल है, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर कोलिनियर है तो निश्चित रूप से बी वेक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकेंगे एज सम स्केलर टाइम्स वेक्टर ए, माने निश्चित रूप से कोई ना कोई एक स्केलर क्वांटिटी होगा अगर कोलिनियर है तो, कोलिनियरिटी का यही मतलब होता है, कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब कि अगर वेक्टर बी बी वन बी टू बी थ्री है तो एक ऐसा कोई स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट दिस मस्ट इक्वल एम टाइम्स ए वन ए टू ए थ्री, और इक्वल का मतलब बी वन मस्ट इक्वल एम ए वन, b2 must equal, ऐसा कोई एक m exist करना चाहिए, and b3 must equal ma3, यानी b1 बटे a1 का वैल्यू इक्वल टू b2 बटे a2 का वैल्यू और इक्वल टू b3 बटे a3 होगा, तभी कोई ऐसा m exist करेगा, so that is the condition for collinearity, a1 by b1 must equal a2 by b2 must equal a3 by b3,
दोनों में डिफरेंस है इक्वल वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर का मदर डेफिनेशन नहीं है. टू वेक्टर्स विल बी सेट टू बी कोलिनियर इफ देयर एग्जिस्ट सम स्केलर सच दैट. एक वेक्टर लिखते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप. एक वेक्टर लिखे हैं 2x3i कैप प्लस 4x3j कैप प्लस 1k कैप. वेक्टर ए वेक्टर बी ये दोनों कोलिनियर है कि नहीं है चेक करना है. हम एक्चुअली इसी को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए ये वेक्टर मिल गया है. यानी वेक्टर बी एक्चुअली इक्वल टू 1/3 टाइम्स वेक्टर ए है या वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स वेक्टर बी के बराबर है. पर ऐसे नहीं चेक करते हैं. दिस इज द डेफिनेशन फॉर कोलिनियरिटी. चेक तो ऐसे करते हैं दिस बटे दिस का जो अनुपात है तिगुना है उसी तरह से दिस बटे दिस का अनुपात भी तिगुना. इसका तिगुना है ये इसका भी तिगुना है ये. तो तीनों में सेम अनुपात अगर दिख रहा हो तो निश्चित रूप से कोलिनियर होगा. दोनों का दिशा मेल खा गया. मैग्नीट्यूड भले नहीं मेल खा रहा है पर दोनों का दिशा मेल खा गया है. आई रिपीट दिशा मेल खाना मतलब केवल ऐसा नहीं एक ऐसे और एक ऐसे है तो भी कोलिनियर बोलते हैं. यानी दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज अगर सेम है. देखिए दोनों का सेम है कि नहीं. 2, 4, 6 एक वेक्टर है और एक वेक्टर बी है -1, -2, -3. दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम है. इसका डायरेक्शन रेशियो है 2, 4, 6 जिसको हम 1, 2, 3 लिख सकते हैं. इसका डायरेक्शन रेशियोज -1, -2, -3 है जिसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्शन रेशियोज 1, 2, 3 लिख सकते हैं. सो डायरेक्शन रेशियोज अगर सेम है तो दोनों वेक्टर को कोलिनियर बोलेंगे. कोप्लेनार का बोलेंगे तीन वेक्टर को. हम दो वेक्टर देंगे लिख करके a1 a2 a3. तो ये जानना चाहेंगे कि आप देखते के साथ समझ जाइए कोलिनियर अगर है इक्वल है तो समझ जाइए. तीन वेक्टर देंगे तो हम चाहेंगे कि आप ये समझ जाएं कि कोप्लेनार है कि नहीं. दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाई करेगा. दोनों कहीं भी बना लीजिए टेल सटाइए एक प्लेन डिफाइंड हो जाता है. जस्ट लाइक टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट जहां कराइएगा एक प्लेन डिफाइंड हो जाएगा. एक तीसरा वेक्टर भी आपको हम दे दें वो जरूरी नहीं कि इसी प्लेन में हो. थर्ड वेक्टर हो सकता है ऐसे उठा हुआ. तो हम कैसे चेक करेंगे कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करता है कि नहीं. अब लुक केयरफुली नया चीज सीख रहे हैं हम लोग. यहां बहुत सारा कोलिनियर वेक्टर्स बना हुआ दिख रहा है. अगर हम किसी एक वेक्टर को एक नाम से पुकार लें ए तो बाकी सारे वेक्टर्स को बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिकली एज समथिंग इनटू ए समथिंग इनटू ए समथिंग इनटू ए. जहां m1 m2 m3 का वैल्यूज यूनिक होगा. आई रिपीट सेट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स अगर है तो हम किसी भी एक वेक्टर के टर्म्स में किसी भी दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिकली लाइक दिस. अगर सेट ऑफ कोप्लेनार वेक्टर्स है मान लीजिए बोर्ड के प्लेन में कोई वेक्टर ऐसे है कोई वेक्टर ऐसे है कोई ऐसे है इन सबको रिप्रेजेंट करना है. अभी रिप्रेजेंट करना सीखे हैं कि इसी रेफरेंस फ्रेम में हम दो वेक्टर डिफाइन कर देंगे आई कैप और जे कैप तब हम सभी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकेंगे यूनिकली एज समथिंग इनटू आई कैप प्लस समथिंग इनटू जे कैप. यही बताने जा रहे हैं कि अगर हम इस वेक्टर का नाम ए रख दें इस वेक्टर का नाम बी रख दें बस अब हम बाकी सभी वेक्टर को इन्हीं दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. हम दोनों के टेल को सटा के रख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को सटा के रख रहे हैं. अब मान लीजिए कोई ऐसा वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको समथिंग इनटू ए कैप प्लस समथिंग इनटू बी कैप के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. समथिंग इनटू ए कैप प्लस समथिंग इनटू बी कैप बी वेक्टर समथिंग इनटू ए वेक्टर प्लस समथिंग इनटू बी वेक्टर के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को जो इस प्लेन में है. एक वेक्टर बनाएंगे कोलिनियर विद वेक्टर ए एक वेक्टर बनाएंगे कोलिनियर विद वेक्टर बी दोनों का सम के रूप में हम एक्सप्रेस एवरी वेक्टर वेक्टर डी है इस प्लेन में
तो इसको भी समथिंग इंटू वेक्टर ए और फिर समथिंग इंटू वेक्टर बी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली, यानी कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होगा, कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, जब वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम स्केलर टाइम्स द अदर। कोलिनियर नहीं होगा ना, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, तो नहीं लिख पाइएगा बी वेक्टर को, नहीं लिख पाइएगा समथिंग इन टू ए। आज जिसको टेस्ट कैसे करेंगे, वो ए वन बाई बी वन इक्वल टू ए टू बाई बी टू इक्वल टू ए थ्री बाई बी थ्री से टेस्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंपल्सरी कंडीशन, एंड दिस इज हाउ यू टेस्ट, क्योंकि वेक्टर आपको हमेशा देंगे हम कॉम्पोनेंट्स में। और अभी बता रहे हैं कोप्लेनारिटी का डेफिनेशन क्या है, कोप्लेनारिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, ए बी सी तीन वेक्टर हम देंगे, तीनों कोप्लेनार है कि नहीं टेस्ट करके बताइए। तो पहले कोप्लेनारिटी का कंडीशन देखिए, इसमें से कोई एक वेक्टर को ले लीजिए, वो निश्चित रूप से समथिंग इंटू वेक्टर ए प्लस समथिंग इंटू वेक्टर बी के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस होगा, ऐसा एम और एन एग्जिस्ट करेगा पक्का। माने जरूरी नहीं कि सी बराबर, आप किसी एक को कोशिश कीजिए तो वो एक्सप्रेस कर पाइएगा ए को समथिंग इंटू बी वेक्टर प्लस समथिंग इंटू सी वेक्टर, निश्चित रूप से एक्सप्रेस कर पाइएगा, एक यूनिक एम और एन का वैल्यूज एग्जिस्ट करेगा इफ दे आर कोप्लेनार पक्का। दैट इज द डेफिनेशन फॉर कोप्लेनारिटी, मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब हम टेस्ट कैसे करेंगे, हम तो आपको वेक्टर देंगे ए वन ए टू ए थ्री, वेक्टर बी देंगे बी वन बी टू बी वन बी टू बी थ्री, वेक्टर सी देंगे सी वन सी टू सी थ्री, और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जरा कोप्लेनार है कि नहीं टेस्ट कर दीजिए। हाउ डू यू टेस्ट कोप्लेनारिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, जवाब इसी में छिपा है। जैसे यहां पे हम लोग प्रूफ किए कि मान लें ऐसा कोई एम एग्जिस्ट करता है तो बी वन बी टू बी थ्री मस्ट इक्वल एम ए वन कॉमा एम ए टू कॉमा ए थ्री, और इक्वल का मतलब दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, उससे हम साबित किए कि अच्छा कोलिनियरिटी चेक ऐसे होगा। उसी तरह से यहां भी हम साबित करेंगे कि सी वन सी टू सी थ्री मस्ट इक्वल एम ए वन प्लस एन बी वन कॉमा एम ए टू प्लस एन बी टू कॉमा एम ए थ्री प्लस एन बी थ्री। अगर तीनों वेक्टर को प्लेनार है तो निश्चित रूप से एक जोड़ा नंबर m और n एग्जिस्ट करेगा, सच दैट c1 इसका जो x कॉम्पोनेंट है वो इक्वल टू समथिंग इंटू ए वन प्लस समथिंग इंटू बी वन इक्वल टू सी वन के बराबर होगा, माइनस सी वन इक्वल टू जीरो होगा, ऐसा होगा पक्का। और m इंटू सेम जोड़ा नंबर mn इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और सेम जोड़ा एम एन इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, निश्चित रूप से ऐसा एम एन होगा। देखिए इक्वेशन तीन है, अननोन दो है, आप इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ एम एन खोज सकते हैं। अब उस एम एन को तीसरे को भी सेटिस्फाई अगर कर रहा है तब निश्चित रूप से ये तीनों वेक्टर कोप्लेनार है, नहीं तो नहीं है। तो आप इन दोनों को सॉल्व करके एम एन का वैल्यूज निकाल के तीसरे में डालिएगा, एक कंडीशन फॉर कोप्लेनारिटी निकलेगा, जो कि अलजेब्रा में हम लोग जानते हैं कि बस एक डिटरमिनेंट बना लीजिए कुछ ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, आपको यहाँ माइनस सी वन माइनस सी टू माइनस सी थ्री है जो हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दैट इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनारिटी of three vectors, and that is the condition for collinearity of two vectors. यानी हम आपको कभी भी तीन वेक्टर दे दें, कह दें कि तीनों को प्लेनार है, तो उसका मतलब कि उनका कॉम्पोनेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हम यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स दे दें, कुछ कुछ नंबर्स दे दें, और किसी एक क्वांटिटी को अननोन रख दें, कह दें कि तीनों को प्लेनार है, तो आप तुरंत उस अननोन का वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग दिस कंडीशन। अभी हम लोग को याद करना होगा, एग्जाम में जाके आप डिराइव नहीं करते हैं इन कंडीशंस को।
स्पेस में कोई भी पॉइंट हो ए, हम जब उसका पोजीशन वेक्टर बोलेंगे ए पॉइंट का, तो हम मीन कर रहे होंगे ओरिजिन से उस तक बनाया गया एक एरो, इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम कोई भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दें अगर x1 y1 और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दें x2 y2 और इस वेक्टर का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बोलने के लिखिए कंपोनेंट्स में समथिंग i कैप प्लस समथिंग j कैप, तो दिस इज इट्स x कंपोनेंट, दिस इज इट्स y कंपोनेंट, ये है x2 माइनस x1 i कैप वेक्टर और ये y2 माइनस y1 j कैप वेक्टर। यानी कि ये याद रखना है, थ्री डायमेंशन के लिए भी ट्रू है, एक पॉइंट ए का हम कोऑर्डिनेट्स दे दें x1 y1 z1 और एक पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स दे दें x2 y2 z2, ये कोऑर्डिनेट्स है वेक्टर नहीं है ये सर। और हम ए बी वेक्टर कहें कि रिप्रेजेंट कीजिए हमारे अपने कंपोनेंट के भाषा में, माने ए से बी को ज्वाइन करने वाला ए से बी, तो फाइनल पॉइंट यहां है, तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, जिसको हम लिखेंगे इसी तरह से, क्योंकि हम लोग वेक्टर्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट्स में उनके तीनों कंपोनेंट को लिखते हैं। तो अगर हम किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देते हैं x1 y1 z1 और पोजीशन वेक्टर करके एक शब्द इस्तेमाल करेंगे कभी, तो आपको समझना है ओरिजिन से उस पॉइंट तक को ज्वाइन करना है एक एरो से, द टेल इज एट ओरिजिन 0 0 0, तब ओ ए वेक्टर को मीन करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विच इज सिंपली x1 माइनस जीरो आई कैप y1 माइनस जीरो, यानी x1 y1 z1, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। इस बात को याद रखना है क्योंकि हम लोग अक्सर सवाल में बोलेंगे कि देर इज अ पॉइंट ए इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, आपको समझना है अगर उस पॉइंट का नाम ए है तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक को ज्वाइन करने वाला एरो को हम मीन कर रहे हैं। तो मान लीजिए देर आर थ्री पॉइंट्स इन स्पेस ओ ए ओ बी और ओ सी, उन तीनों पॉइंट्स का हम पोजीशन वेक्टर दे रहे हैं 2 3 माइनस 4 1 माइनस 1 5 2 6 7। अब क्वेश्चन, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में देर आर थ्री पॉइंट्स, क्वेश्चन हम आपको इसका पोजीशन वेक्टर दिए हैं, उसका पोजीशन वेक्टर और उसका पोजीशन वेक्टर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, एक लाइन में है कि नहीं बताना है। तो वेक्टर अलजेब्रा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इससे भी हम इस सवाल को बना सकते हैं, हम ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, और बी और सी को ज्वाइन करने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, और दोनों डायरेक्शन रेशियोज का अनुपात अगर सेम हो मतलब एक लाइन में लाई करता है। अब वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करके देखें हम लोग बना पाते हैं, हम एक वेक्टर बनाएंगे ए बी वेक्टर, आप हमको दिए हैं ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, हम यहां से ए बी वेक्टर बना सकते हैं, दिस माइनस दिस माइनस वन, ए बी वेक्टर मतलब ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर का मतलब माइनस वन माइनस फोर नाइन। एक वेक्टर बना लेंगे ए सी वेक्टर, जरूरी नहीं है आप बी सी वेक्टर ही बना सकते हैं, बना लिए ए सी वेक्टर विच मीन्स ओ सी माइनस ओ ए, दिस माइनस दिस विच इज जीरो थ्री एंड इलेवन। और अब हम कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स अभी सीखे हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होगा तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। अब कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स देखना आसान है, बस दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, ये 3D से मिल रहा है, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, तो आप बी वन माइनस ए वन को सी वन माइनस ए वन से डिवाइड कर रहे हैं, बी टू माइनस ए टू को सी टू माइनस ए टू से, या बी थ्री माइनस ए थ्री को सी थ्री माइनस ए थ्री से, सेम अनुपात हो गया तो कोलिनियर है, एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज है ऊपर में लिखा हुआ ए बी लाइन का और ये डायरेक्शन रेशियोज है ए सी लाइन का, और दोनों का अनुपात को आप चेक कर रहे हैं, सो इट इज वेरी सिमिलर टू थ्री डी ज्योमेट्री दिस लैंग्वेज। अगर हम स्पेस में चार पॉइंट दे देंगे ए बी सी और डी,
चारों का पोजीशन बेटा वेक्टर बता देंगे ओ के रिस्पेक्ट में। हम पूछेंगे वो चारों पॉइंट एक प्लेन में है कि नहीं। तीन पॉइंट हमेशा एक प्लेन में होता है, दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल, लेकिन चौथा उसी प्लेन में हो जरूरी नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे कि चारों पॉइंट एक प्लेन में है कि नहीं? तो हम ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर और ए डी वैक्टर पहले बना लेंगे। आप ओ डी वैक्टर देंगे ना, हम ए डी वैक्टर बना लेंगे, ओ डी माइनस ओ ए। अब तीन वैक्टर बन गया। अब वो तीनों अगर कोप्लेनार हो तो ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनार होगा। और तीनों वेक्टर कोप्लेनार कब होगा, एक जगह इकट्ठा करके हम लोग बात को लिख लें। अगर हम एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स दे दें x1 y1 z1, b दे दें x2 y2 z2 और c दे दें x3 y3 z3। कोऑर्डिनेट्स नहीं देंगे, हमेशा पोजीशन वेक्टर कहेंगे, OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, OD वेक्टर, x4 y4 z4। ये कंपोनेंट्स में देंगे, समथिंग i कैप समथिंग j। ये तीन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है स्पेस में। वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, एक लाइन में है कि नहीं, ये चेक करने के लिए x2 माइनस x1 बटे x3 माइनस x1, माने हम a के रेस्पेक्ट में पहले उन दोनों का निकाल ले रहे हैं, a b a c, उनका अनुपात को चेक कर रहे हैं, y2 माइनस y1 बटे y3 माइनस y1, z2 माइनस z1 बटे z3 माइनस z1। कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स के लिए हम पहले दो वेक्टर बनाए, उनका कोलिनियरिटी कंडीशन इस्तेमाल की। कोप्लेनारिटी ऑफ फोर पॉइंट्स, तो हम तीन वेक्टर बनाएंगे, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, उनका कोप्लेनारिटी का कंडीशन है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। a के रेस्पेक्ट में सबका निकाल लेंगे, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, x4 माइनस x1, y4 माइनस y1, z4 माइनस z1। कोप्लेनारिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, दैट विल प्रूव कोप्लेनारिटी ऑफ फोर पॉइंट्स। स्पेस में कोई एक पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और कोई एक पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है। हम ओ बी वेक्टर को बी कह रहे हैं और ओ ए वेक्टर को ए। लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स पर एक पॉइंट है पी, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अगर वो इस लाइन को एम इज टू एन रेशियो में बांटता है, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, दी फॉर्मूला इज सेम जो 3D में था, 2D में था। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता हो x1 y1 z1, इसका x2 y2 z2, तो आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना जैसे जानते हैं ना, x कोऑर्डिनेट mx2 plus nx1, उसी तरह से इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इक्वल टू m टाइम्स इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस n टाइम्स उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। कैन यू प्रूव दिस? लेट अस ट्राई प्रूविंग दिस। हम इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को r कह लें, तो ये वेक्टर को क्या लिखेंगे? r माइनस a। इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर a और p का माने है r, तो ये वेक्टर हो गया r माइनस a और ये वेक्टर हो गया b वेक्टर माइनस r वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है और मैग्नीट्यूड्स का रेशियो m इज टू n है। इस बात को हम लिख सकते हैं वेक्टर r माइनस वेक्टर a डिवाइडेड बाई एम, मतलब वन बाई एम टाइम्स दिस मस्ट इक्वल वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर बटे एम। और अब हमको आर निकल गया। ये जो इक्वेशन बना है ये सीखना आवश्यक है। हमको दिख रहा था इस चित्र में ये दोनों वेक्टर कोलिनियर, इनके मैग्नीट्यूड्स का अनुपात एम बाई एन है, तो उस बात को लिखते ऐसे। यहां देखिए लिखा हुआ है दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर, क्योंकि यहां पे सम स्केलर से मल्टीप्लाइड है, सम स्केलर से मल्टीप्लाइड है, और एनी वन वेक्टर इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स अनदर मींस कोलिनियरिटी। तो हम कोलिनियरिटी भी लिख दिए हैं और मैग्नीट्यूड्स का अनुपात भी लिख दिए हैं m इज टू n।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको r का वैल्यू आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू आर वैक्टर माइनस एन इंटू ए वैक्टर इक्वल टू एम इंटू बी वैक्टर माइनस एम इंटू आर वैक्टर एंड दिस इज वॉट यू गेट। इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं और इसको याद करते हैं। प्रूफ भी अगर आप समझ के याद कर रहे हो देन यू आर रियली इंटेलिजेंट। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर दिया हो, हम दोनों का चित्र कहीं बना सकते हैं, टेल सटा के बनाए, तो इन दोनों का जो एंगुलर बाइसेक्टर है, देर आर टू एंगुलर बाइसेक्टर्स, एक ये वाला दिशा और एक ये वाला दिशा। इस दिशा में कोई वेक्टर हम कहें कि लिखिए एनी वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन एंगुलर बाइसेक्टर के दिशा में, तो जरा देखिए तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर है तो वो ट्रायंगल को जहां जाकर के मीट करेगा वो किस रेशियो में बांटेगा ये पॉइंट इस लंबाई को। तो हम लोग पढ़े हैं कि ट्रायंगल का जो एडजेसेंट साइड्स का जो लंबाई है उसी अनुपात में एंगुलर बाइसेक्टर बांटता है, यानी इसका लंबाई अगर ए है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ए बोल रहे हैं, और इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो ए इज टू बी अनुपात में बांटेगा। तो उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर हम दोनों वेक्टर के टेल को सटा करके ओरिजिन पे रख दिए हैं। हमको सिर्फ दो वेक्टर है, दोनों का जो एंगुलर बाइसेक्टर दिशा है उस दिशा में एक वेक्टर लिखना है, तो हम लिख रहे हैं दोनों के टेल को सटाए हैं वहां अपना ओरिजिन रखे हैं, और अब ये एंगुलर बाइसेक्टर हम समझ गए हैं कि बी इज टू ए रेशियो में, यानी बी टाइम्स वेक्टर ए प्लस ए टाइम्स वेक्टर बी बटे ए प्लस बी, ये होगा एनी वन वेक्टर लिखे हैं इन दिस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में कोई और वेक्टर लिखना है तो बस इसी को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। हम इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, थोड़ा याद रखने लायक एक हैंडसम फॉर्म में दिखेगी। हम कॉमन ले रहे हैं ए बी बाई ए प्लस बी स्केलर, और तब बचेगा ये सम स्केलर टाइम्स इतना। तो हमको अभी स्केलर से मतलब नहीं है, आपको याद रखना है कि इन दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर के दिशा में कभी बोलें कि कोई एक वेक्टर है तो आप यही वेक्टर याद रखिएगा ए वेक्टर बाई ए, ये यूनिट वेक्टर है इस दिशा में, और बी वेक्टर बाई बी एक यूनिट वेक्टर है इस दिशा में, यानी दिस प्लस दिस। और ये मुश्किल नहीं है समझना, इस दिशा में अगर यूनिट वेक्टर हम डिफाइन कर देते हैं एम कैप लैम्डा कैप, और इस दिशा में यूनिट वेक्टर म्यू कैप, तब जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो उन दोनों का मिड पॉइंट से गुजरेगा, यानी लैम्डा प्लस म्यू बाई टू, तो लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स हाफ। तो हम हाफ को हटा दिए, अब हमेशा के लिए याद रखेंगे हम लोग, जैसे 3D में सीखे थे अगर L1 M1 N1 डायरेक्शन को साइंस है किसी लाइन का, और L2 M2 N2 तो उसके एंगुलर बाइसेक्टर्स का डायरेक्शन पूछें कि क्या होगा, तो L1 प्लस L2 कॉमा M1 प्लस M2 कॉमा N1 प्लस N2, वैसा ही है कुछ सम ऑफ द यूनिट वेक्टर्स, और जो दूसरा है उसका दिशा L1 माइनस L2 कॉमा M1 माइनस M2 कॉमा N1 माइनस N2। यहां भी जो दूसरा दिशा है ये वेक्टर B है, और ये मान लीजिए वेक्टर माइनस वेक्टर B होगा, तो अब आप इस दिशा में एक यूनिट वेक्टर ले लें लैम्डा कैप, और इस दिशा में यूनिट वेक्टर ले माइनस म्यू कैप, तो उनका जो मिड पॉइंट होगा लैम्डा माइनस म्यू बाई टू, यानी दीज आर दी टू वेक्टर्स जो हम लोग को याद करने योग्य है, वेक्टर ए बटे ए प्लस माइनस वेक्टर बी बटे बी। आपको जरूरत पड़ेगा एग्जामिनेशन में, हम आपको एक वेक्टर देंगे वेक्टर ए बराबर टू थ्री माइनस फोर और वेक्टर बी बराबर थ्री माइनस फोर सिक्स, इन दोनों का जो एंगुलर बाइसेक्टर दिशा है उस दिशा में कोई एक वेक्टर लिखने के लिए बोलेंगे। ऑफकोर्स आप इतना गुने लैम्डा लिखेंगे, अगर कहेंगे कि एक वेक्टर सी है जो ए और बी के एंगुलर बाइसेक्टर के दिशा में है, तो आपको समझना है कि सी वेक्टर इज सम स्केलर टाइम्स दिस वन नोन वेक्टर है जो उस दिशा में है, दिस और दिस। और ये निकालेंगे, पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए बाई उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हर नंबर को, रूट अंडर टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर विच इज नाइन प्लस फोर थर्टीन प्लस सिक्सटीन रूट ट्वेंटी नाइन, टू बाई रूट ट्वेंटी नाइन
कॉमा 3 बाई रूट 29 कॉमा माइनस 4 बाई रूट 29। अब वेक्टर बी बाई बी करके नंबर निकालेंगे, एक बार सबको ऐड कर देंगे, एक बार सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू गेट टू वेक्टर्स अलोंग द टू एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स। ए डॉट बी कैसे करेंगे? अगर आपको वेक्टर ए दिया है a1, a2, a3 और वेक्टर बी दिया है b1, b2, b3, तो दोनों का डॉट कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सो तो सीख गए, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे वो भी सीख गए, ऐड डॉट कैसे करेंगे। डॉट का मतलब हम लोग जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी हम इन दोनों वेक्टर के बीच का अगर कॉस थीटा निकाल सकें, उनका मैग्नीट्यूड तो जानते ही निकालना, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर, और कॉस थीटा निकालना 3D ज्योमेट्री में सीखे थे। इस वेक्टर का दिशा मालूम है a1, a2, a3 और इसका दिशा b1, b2, b3, तो एंगल बिटवीन देम का कॉस कैसे निकालेंगे वो 3D में सीखे थे, मॉड ऑफ a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बटे रूट अंडर दिस, रूट अंडर दिस ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ए डॉट बी इज सिंपली, वहां पे एक्यूट एंगल स्पेशली था तो यहां पे हम लोग हटा देंगे क्योंकि थीटा यहां पे एक वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, तो यहां मॉड नहीं डालेंगे एंड दिस इज हाउ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए डॉट बी का वैल्यू पूछें, एक स्केलर क्वांटिटी है नो आई जे के, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इसी बात को हम वेक्टर में आपको इस तरह से समझाए थे, दिस डॉट दिस करना हो तो इसको लिखिए a1 i कैप डॉट प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और डॉट लिखिए b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और कहे थे कि सबको सब के साथ डॉट कीजिए, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 9 टर्म्स आएगा उसमें से 6 टर्म्स जीरो हो जाएगा, आई डॉट आई कीजिएगा तो a1 b1 इंटू आई डॉट आई का वैल्यू 1 आएगा, फिर आई डॉट जे वाला टर्म 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे रह जाएगा a2 b2 और k डॉट k रह जाएगा a3 b3, इतना ही बताए थे, प्रूफ नहीं डिस्कस किए थे, दिस इज द प्रूफ कि ए डॉट बी का वैल्यू इतना क्यों आएगा, जबकि डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू, जो कि हम लोग पहले निकालना नहीं जानते थे, 3D ज्योमेट्री पढ़ने के बाद एंगल निकालना सीख गए एंड हेंस द रिजल्ट। ए क्रॉस बी कैसे करना है, द प्रूफ इज सिमिलर, इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना तो वो ए बी साइन थीटा होता है, हाँ आप जब कॉस थीटा निकाल सकते हैं तो आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस, तो वी डिड नॉट डू दैट, केवल आपको हम लोग सीख लें कि कैसे करना है, इसको लिखना है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, क्रॉस लिखना है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, अब क्रॉस करने के लिए हर को हर के साथ क्रॉस करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यू विल गेट 9 टर्म्स, उसमें 3 टर्म जीरो होगा, 6 बच जाएगा, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, आई क्रॉस आई क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 × 1 × साइन जीरो, आई क्रॉस जे रह जाएगा, आई क्रॉस के रह जाएगा, आई क्रॉस के लिखेंगे तो a1 b2 आई क्रॉस जे, जो कि हम लोग राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करते हैं आई जे एन के, फिर आई क्रॉस के वो यहां देख सकते हैं, के क्रॉस आई मतलब जे लिखना है, आई क्रॉस के मतलब माइनस जे लिखना है, माइनस a1 b3 j कैप, इस तरह से सब टर्म को लिखिएगा, इकट्ठा होगा इसमें 2 टर्म आई कैप वाला आएगा, 2 टर्म जे कैप वाला और 2 टर्म के कैप वाला, पर हम इस तरह से क्रॉस नहीं करेंगे, ये एक्चुअली में हम लोग देख सकते हैं कि एक सुंदर डिटर्मिनेंट के रूप में एक्सप्रेस हो जाता है, आई जे के फर्स्ट रो में लिख दीजिए और ए वेक्टर का कंपोनेंट्स को सेकेंड रो में और बी वेक्टर का कंपोनेंट्स लास्ट रो में, यू हैव टू मेंटेन द ऑर्डर, और अब आप एक्सपेंड कीजिए
फर्स्ट रो के अबाउट, तो दिस माइनस दिस गुने आई कैप, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू आई कैप, मतलब यही आया था। उसको देख करके सोचा गया कि इसको थोड़ा हैंडसम फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया जाए, इजी टू रिमेंबर। जे कैप वाला कंपोनेंट ए थ्री बी टू, ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री, जे और के कंपोनेंट ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन के। ये जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट अभी सीखे हैं करना, इसका यूटिलिटी देखिए एक और है। हम लोग थ्री डायमेंशन में सीखे थे कि दो लाइन का अगर दिशा दे दिया जाए ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू, तो एंगल बिटवीन देम कैसे निकालते हैं। पर वहां पे हम स्पेसिफिकली एक्यूट एंगल बिटवीन देम निकालना सीखे हैं, कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ डालते हैं ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू बटे रूट अंडर। लेकिन हम वेक्टर अलजेब्रा में जब बोलते हैं एंगल निकालिए बिटवीन टू वेक्टर्स, देन आई मस्ट नो वेदर द एंगल बिटवीन देम इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज, तो ये फॉर्मूला काम नहीं देगा। तब हमको ये फॉर्मूला काम देता है। अब हम इससे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर सकें और दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सके। जैसे हम दो वेक्टर अगर आपको दिए, वेक्टर ए टू माइनस थ्री वन, वेक्टर बी फोर जीरो टू, और कहे कि दोनों के बीच का एंगल बताइए, एक्यूट होगा तो अपने आप पता चल जाना चाहिए आपके आंसर में, ऑब्ट्यूज होगा तो भी, कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव आ जाएगा तो एक्यूट, और जीरो आ जाएगा तो परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर होने का कंडीशन भी आपको मिल रहा है। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं आप और जीरो आ जाता है तो आपको समझना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। अभी एंगल निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, फोर इंटू टू एट माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस टू इंटू वन, डिवाइड कर दीजिए इसको ए के मैग्नीट्यूड से, फोर प्लस नाइन प्लस वन, फोर प्लस नाइन प्लस वन इंटू रूट अंडर सिक्सटीन प्लस जीरो प्लस फोर। ये पॉजिटिव नंबर आया, यानी इन दोनों के बीच का एंगल एक्यूट है। हम अगर कंपोनेंट निकालने बोले, थ्री डायमेंशन में भी था, दो लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का प्रोजेक्शन निकालिए किसी दिशा पे, ए प्राइम बी प्राइम, तो हम इसका कोऑर्डिनेट्स बताते थे एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू, इस लाइन का दिशा बताते थे ए बी सी। तो आप ए गुने एक्स टू माइनस एक्स वन, बी गुने वाई टू माइनस वाई वन, सी गुने जेड टू माइनस जेड वन का मॉड बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके कंपोनेंट निकालते थे। यहां भी हमको चाहिए, एक वेक्टर ए है और हमको इसका वेक्टर बी की दिशा में कंपोनेंट चाहिए या बी का ए के। तो अगर इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का मतलब ए कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, जो कि कैसे निकलेगा, ए डॉट बी बटे ए बी होता है कॉस थीटा, तो गुने ए कर दीजिए। तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर किया जाए, क्या चीज से देखिए, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें अगर अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी, तो आपको ए का कंपोनेंट निकल जाता है बी के अलोंग, और बी का कंपोनेंट चाहिए ए के अलोंग, यानी बी कॉस थीटा। तो बी का डॉट प्रोडक्ट करना है विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। इसको ऐसे लिखने के बजाय हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बट एज अ मैथमेटिशियन अप्रिशिएट के इस बात को कि इस वेक्टर का हम अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं बी के दिशा में एक यूनिट वेक्टर के साथ, तो हमको सीधे ए का कंपोनेंट निकल जाता है। जैसे हम इस सवाल में पूछें कि ए का कंपोनेंट निकालिए बी के अलोंग, तो अब बस आप ए कॉस थीटा चाहिए, तो हम ए डॉट बी किए और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। आज यहीं समाप्त करते हैं।